जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा योग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। आनम नमो आयरियाणम नमो वच्छायानम नमो लोहे सब साहूनम एसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणासिनो मंगलानम च सव्येसिम परमम हवेय मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलयव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। तीर्थंकर, तीन तीर्थंकरों का पाठ करके और इसके बाद तीन का कल करेंगे और पद्म प्रभु भगवान का करेंगे अपन। स्वयंभूत हितेन भूतले समंजसज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम इन विदुन्वता तम छपा करेण गुणोत्करै करै प्रजापतेरे आप्रतमं जीजीवसु ससास के स्यादिसु कर्म सप्रजाय प्रबोध तत्वा पुनरद्भुतो दयो ममत्तो निर्विविदे विदांबराय विहाय आसा गर्वारी वासुसाम वधूमि वेवां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरीक्ष्वा कुकलादिरात्मवान् प्रभो प्रव्राज सहस्रच्युताय सदोषमूलं सुसमाधितेजसा निनायो निर्दयभस्म सात्क्रियं जगाद तत्त्वं जगतीर्थनिञ्जसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वराय सवेषु चक्षुर्विस्वर्चिता सतां समग्र विद्यात्म वपुर्निरंजन पुनाति चेतो जिनो जितक्षलकवादी सासन। इति श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमो नमः। यस्य प्रभावात् देवच्युतस कीडस्वपी जीव मुखारविंदा अजेय शक्तिर्भुवि बंधुवर्गस
चकार नामा जितित वंदम अद्यापि अस्या जित सास नस सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रग्रीयते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके या प्रादुरासीत प्रभु शक्ति भूम्ना व्यासयालीन कलंक शांते महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंदा विदयाय भास्वान एन प्रणीतम प्रतुधर्मतीर्थम ज्येष्ठम जनाय प्राप जयन्ति दुःखम गंगम मृदम चंदन पंक सीतम गजब प्रवेका योगर्म तप्ता सब्रह्मनिष्ठा समित सतर इत्याय नरवांत कषाय दोसाय लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिन श्रियम मे भगवान विदत्तम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। तम संभवासम बहुतर्ष रोगै संताप मानस जनस लोके आसीरिहाकस मिगेव वैद्यो वैद्यो यथानाथ रुजाम प्रशांतं अने ते मात्र महम क्रियावि प्रशक्त मेथ्याद्वसाय दोषम इदं जगज्जन्म जरान्तकार्तम निरंजनाम शांति मजीग मस्तम सथर्दोन मेशो चलमी सौक्यम तृष्णामयाप्या यन्मात्रेतु तृष्णा विब्रदेश्चितापत यज्रसम तापस्तदाया सहतीत वादी बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु बद्धश्च मोक्तश्च फलं च मुक्ते शाद्वादिनो नाथ तवैव योक्तम् स्तोमतोऽसि शास्ता शक्रोऽपि शक्तस्तव पुण्यकीर्तिस्तुत्यां प्रवर्ता किमादिशज्जाय तथापि बालो वै कामव तथापि भक्तास्तुत्पाद पद्म ममार्य दे इति श्री संभवनाथ जिनेन्द्र पद्म प्रभु जिनेन्द्र सीधे पद्म प्रभा पद्म पलाशलेश्या पद्मालयालिंगित चारु मूर्ति बभौ भवान बभयोरुहाण बवार पद्मं च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमोक्तिलक्ष्म्या सरस्वतीमेव समग्रशोभं सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमोक्ता शरीररश्मि प्रसरा प्रभोस्ते बालार्करश्मित् छविराली लेपो नरामराकीण सवाम प्रभावाद छैलस पद्माभ मने सुसानम नवस्तलम पल निवत्तवम सहस पत्राम भुजगर्व चारै पादा तुत्मार दर्पो नम बिजहर्थ भूत्यै गुणाम बोधेर्व्यप्रसुमप
प्रयाज सम न खंडलास्तो तुमलम तवर से प्रागेव मादेक किम ताति भक्तिर मम बाल माला पैतीत मेतम। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र देव ने सुमतिनाथ भगवान का स्तुन होने के बाद पद्म प्रभु भगवान का स्तुन शुरू किया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि पद्म प्रभु भगवान जिनकी पद्म लाल कमल जैसी, जिनकी लेशर वर्ण है शरीर का, और जो अपनी आत्मा की अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी में निरंतर लीन रहते हैं, ऐसे पद्म प्रभु जिनेन्द्रिय भगवान आप भव्य जीवों रूपी कमलों को पुष्पित करने में, खिलाने में, तालाब में जिस प्रकार से सूर्य सक्षम होता है, ठीक इसी प्रकार से आप भव्य जीवों को उद्बोधित करने में। इसके बाद भगवान आपकी जो है अक्षय सुखमय लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आपके पास हैं। लक्ष्मी भी है आपके पास और सरस्वती भी, और आप जो है ना प्रतिमुक्ति लक्ष्मी हैं, और सरस्वती जो सर्वज्ञ रूपी लक्ष्मी है और दिव्य ध्वनि रूपी सरस्वती है, दोनों को प्राप्त करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके बाद आती है शरीर रस में प्रसराप प्रभुस्ते। शरीर की किरणें शरीर रस में प्रसरा प्रभोस्ते, बालार्क रस में छविराली लेपो, नरामरा कीण प्रभावात साभाम प्रभावात छैलस पद्मा व मने सुसानु। अब शरीर की जिनकी रश्मि है, तो इसके लिए आचार्य श्री बड़ा अच्छा लिखते हैं, नयन मनोहर किरणा बली छवि आप देह से उछल रही, यहाँ पर कहते हैं कि शरीर की रश्मि आपकी कैसी है, बालार्क रश्मि छवि। बालार्क माने होता है सूर्य जो उदय काल में जैसा होता है, उस छवि के आप स्वामी शरीर रश्मि प्रसराप रूप, उस शरीर की किरणें इस प्रकार से निकल रहे हैं। नरा मरा कीर्ण सभाम प्रभावाच, और मनुष्य देवों की से आकीर्ण माने घिरे हुए हैं आप, और आपके समोसरण सभा को पद्माव मने सुसानुम छैलस प्रभवत सुसानुम अली देपो, अर्थात उस तरीके से जैसे कोई एक पहाड़ हो पद्मरग मणि का, एक कोई पहाड़ और उस पहाड़ पर्वत की प्रभा अपने पार्श्व भाग को अविलिप्त करती है, आलिप्तित करती है। तो इसी तरीके से आपने ऐसा बताया कि भगवान आपकी छवि बालार्क, यानी जैसे बिल्कुल सूर्य निकलता चला जाता ना, उस जैसे सूर्य की किरणों के समान आपकी शरीर की रश्मि है, और देव और मनुष्यों से आप घिरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी जो छवि है वो छवि कैसी है कि पार्श्व भाग में पड़ रही है, बगल के हिस्से में, जैसे कोई एक पहाड़ मणियों का उसकी छाया पड़ेगी, इसी तरीके से।
ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी छाया पड़ रही। नभस्तलम पल्लनेवत्वम सहस्य पत्रांबुज गर्भ चारई पादांबुजहि पातित मार दर्पो भूमौ प्रजानाम बिजहर्थ भूत्यै। नभस्तलम पल्लवयन नेवत्तोम सहस्र पत्रांबुज गर्भ चारै पादांबुजै पातित मार दर्पो भूमौ प्रजानाम बिजहर्थ भूत्यै। सस दल वाले कमलों के मध्य आप चलने वाले चरण कमल से नभ को नभ तल को प्रभु मत मदन का मद दर्पण कर निर्मद जीवन बना लिया। विश्व शांति के लिए विश्व में विचरण इच्छा बिना किया। अब भगवान जो होते ना जब चलते हैं तो 1000 कमलों की रचना होती है। कितने कमलों की? 1000 कमलों की रचना होती है। और 1000 कमल जो होते हैं ना आगे 500 आगे पीछे 500 और उन पर पैर रखते हुए चलते हैं, लेकिन उनके चलने की कोई इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? तो उन्होंने पादांबुज पद रूपी कमल के द्वारा पातित मार दर्पो कामुर का दर्प जो उन्होंने समाप्त कर दिया, दल दिया। अर्थात वो ये कह सकते हैं अपन कि उन्होंने अपना निर्मद जीवन बना लिया और प्रजाजनानाम प्रजाजनों के लिए बिजहर्थ, बिजहर्थ का अर्थ क्या होता है, विहार किया था। किसके लिए? प्रजाजनों के हित के लिए। अब भगवान की वाणी और इन सब के लिए अब थोड़ा सा ब्रेक के बाद अपन इस पूरी पर डिटेल देंगे। अभी थोड़ा सा एक और श्लोक अपन कर लें, फिर इसका डिटेल्स पूरा आपके सामने आएगा। गुणाम बुधेर विप्रशुमप्रियजसम न खंडलास्तु तुमलम तवर्से। आपके गुण रूपी समुद्र की एक बूंद का वर्णन न अखंडला स्वर्ग का इंद्र भी नहीं कर पाता है, उसके करने में समर्थ नहीं। अलम तवर से, तवर से माने हे ऋषि, हे भगवान, आप गुण के समुद्र हैं और आपके गुण रूपी समुद्र के वर्णन को करने में एक बूंद, विप्रस माने बूंद होता है, उस विप्रस की बूंद माने उस बूंद के भी निरंतर स्तुति करने के लिए स्वर्ग का देव समर्थ नहीं। अज्रस माने निरंतर होता है। और ये शब्द सब आप लोगों के लिए पहली बार सुनने में आ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे शब्दों को सुना ही नहीं है। लेकिन प्रागेव माद्रक पहले ही मेरे जैसा किमुत अति भक्ति, मेरे जैसा जो है ना कैसे समर्थ हो सकता है, नहीं हो सकता। अति भक्ति तीव्र भक्ति से माम बाल माला मुझ अज्ञानी से इत्थम इस तरह से इदम इस स्तन को अलाप यति कहला रही है। अति भक्ति मेरे जैसे व्यक्ति से आपका स्तन स्तुति कहलवा रही है। तो जैसे कहा ना अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहासु धाम तुद्भक्तिरेव मुखुरी कुरुते वलान्मम यत्को किला किल मधौ मधुरम विरौति तच्चामृचारु। ये जैसे कोयलें जो होती हैं
आम पर मंजरी आ जाती है, जब कलिकाएं आ जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं, बौर आ जाते हैं आम, तो उस समय कोयल उनको देख करके अपने आप बोलने लगती है। ठीक इसी तरीके से हे भगवान, हम भी आपकी भक्ति में अल्पश्रुत होने के बाद भी, श्रुतबानों की परिहास के धाम होने के बाद भी, हम जो है ना क्या करते हैं, आपके स्तन करने में समर्थ नहीं हो पाते। उस अति भक्ति के द्वारा ही हम कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर गुण रूपी समुद्र को कि एक बूंद का निरंतर वर्णन करने में इंद्र भी सक्षम नहीं है, फिर भी मेरा जैसा व्यक्ति आपके स्तन करने के लिए तैयार अगर हुआ है तो इसमें भीतर से अति भक्ति होती है। ये भक्ति क्या चीज होती है? बहुत सारे लोगों के बीच में भक्ति का आज हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। एक मुद्दा है भक्ति का, तो पूज्य पुरुषेषु गुणानुरागा गुणान अनुवादना भक्ति, पूज्य पुरुषों के प्रति जो गुणों का अनुवादन होता है, गुणों का कथन होता है, उसका नाम भक्ति होता है। अब विधान होते हैं जब यह प्रतिष्ठा होती हैं, तो प्रतिष्ठाचार्य या विधानाचार्य कहते हैं अब सौधर्म इंद्र भक्ति करेगा, तो भक्ति क्या करेगा, तो एक दो चमर ले लेता हाथ में और कूदना शुरू कर देता है, तो मंच जो होती है ना कच्ची होती, कहीं कहीं टूट जाती है, क्योंकि दो दो कुंटल के लोग कूदने लगे अगर मंच पर तो मंच तो टूटेगी। अब उनसे अपन पूछे भक्ति नाम है किसका, क्या नृत्य करने का नाम भक्ति है? नहीं। संगीत में तीन चीजें आती हैं, नृत्य गायन और वादन, गाना बजाना और नाचना, ये संगीत है। और संगीत के साथ अब अपन जब विधान करते हैं तो एक बड़ी विडंबना हो गई है विधान की, कि विधान में विधान पढ़ने वाला अलग होता है, सोहा बोलने वाला अलग होता है और चढ़ाने वाला अलग होता है। जो सोहा बोलता है वो चढ़ाता नहीं है, जो चढ़ाता है वो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ने वाला सोहा बोलने वाला वो पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाला संगीतकार होता है, भैया जी मंत्र बोलते हैं और चढ़ाने वाले चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तीनों का विधान अधूरा है, तीनों का विधान अधूरा है, क्योंकि संगीतकार को तो गाना पड़ता है, क्यों, वो अगर अच्छी लय लगा देता है, अच्छा बढ़िया आपके लिए नाचने गाने के लिए मजबूर कर देता है तो वो अच्छा संगीतकार कहलाता है, उसके लिए उसके बदले में पारितोषक भी मिलता है। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति किस चीज का नाम है? तो आचार्य कहते हैं भक्ति नाम है गुणों के प्रति अनुवाद। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप तो गुण के समुद्र हैं। क्या है? आप तो गुण के समुद्र हैं और उसकी एक बूंद, तुम गुण का सागर है, मैं बूंद हूं बस उसकी। क्या? तू गुण का सागर है भगवान और मैं सिर्फ उसकी एक बूंद हूं, और ये बूंद जो है, ये बूंद का भी वर्णन उस नहीं कर सकता, मैं बूंद का वर्णन नहीं कर सकता। कर सकती क्या? नहीं कर सकती। तो जब बूंद का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसलिए बंधुओं, इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना, अति भक्ति जो भीतर होती है, गुणों के अनुवाद करने का जो भाव होता है, गुणों के प्रति जब अनुराग आता है तो आदमी बोलता नहीं है,
बोलने लगता है, बोलता नहीं है, बोलने लगता है। तो बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग नाच उठते हैं और बहुत सारे लोग नाचते हैं, बहुत सारे लोग हंसते हैं और बहुत सारे लोग हंस उठते हैं। अब सब लोग अगर हंस रहे हों पूनम आंटी और आप नहीं हंस तो लोग क्या कहेंगे? हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए अब सब हंस रहे हैं तो अपन भी हंस लो, सब ताली बजा रहे हैं तो अपन भी ताली बजा दो। लेकिन पूछो तो ताली किस बात पर बजी? हमने तो ये देखा अभी तक नेहा नगर में कि एक कोई व्यक्ति ताली बजा दे तो सब, और नहीं तो कोई नहीं बजाता। अब मैं एक बात आपसे कह ही रहा हूं कि ताली बज उठे या बजाना पड़े, बज उठे वो ताली कहलाते। बहुत सारे कवि सम्मेलन में कवि कविता करने आते हैं कवि लोग, तो वो कविता कहते हैं अब आप एक बार ताली तो बजाइए। तब अब जिनका ज्यादा परिचय होता कवि से वो उसकी तरफ कवि देखता है और वो ताली बजा देते हैं। लेकिन ताली तो बजा देते हैं तो बहुत सारे लोग ताली बजा देते हैं और सब लोग ताली बजा देते हैं, लेकिन ताली बजाई किस बात पर? इसी तरीके से हमने भक्ति अगर की है तो भीतर से नाच उठना चाहिए। एक रोना होता है और एक रोना पड़ता है। एक मैंने कहानी लिखी राजुल के आंसू, एक राजुल और नैना देवरानी जिठानी थी। अब जो राजुल थी और नैना और राजुल, तो उनके दोनों के ससुर एक्सपायर हो गए थे, तो राजुल फूट फूट के रो रही थी, खूब रोए, सबसे ज्यादा रोए, और नैना को आंसू नहीं आ रहे थे। नैना नहीं रो रही थी, वो अपने भीतर ही भीतर सोच रही थी। तो एक दिन उसकी सास कहती है, नैना तू कितनी निष्ठुर है, तेरे ससुर एक्सपायर हो गए, सब रो रहे हैं और तू एक आंसू भी नहीं बहा रहे। नैना ने कहा मैं कहां से रोऊं, रो रही हूं ये आपको बताने का विषय नहीं है, लेकिन जो रो रहे हैं उनकी शाम एक विचित्र है। अगर आपको उनकी शाम देखना है तो उनके कमरे के भीतर की ठिठोली, हंसी ठिठोली और मजाक जो चलती है वो आप देख लेंगे तो आपको पता लगेगा। तो सास को भी ऐसा लगा कि देखें ये सच कितना कह रही है। तो उसने देखा कमरा बंद और बहुत हंसी मजाक चल रही है और राजुल भी मजाक कर रही है, हंस रही बहुत जोर जोर से। तब सास को लगा कि ये जो तीन दिन से आंसू बहा रही थी, ये आंसू जो थे लोगों की संवेदना बटोरने के लिए थे, पर वास्तविक गम अलग चीज होती है। इसलिए लोग रोते हैं और रोना पड़ता है, गाना गाते हैं गाना गाना पड़ता है। तो एक हमारे यहाँ जस्सू नाम का लड़का था, उस समय अच्छा मित्र था, तो उसकी जब शादी हुई तो उसकी शादी में बहुत सारे महिलाएं गाना गा रही थीं। तो मैं वो कह रही थी इंद्रपुरी से बनना आयो, कहाँ से बनना आया, इन मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है, ये तो कह रहे थे। पर एक बात और कह रही थी इंद्रपुरी से बनना आया। तो मैंने एक भाभी से कहा, माया भाभी थी एक, हमने कहा भाभी एक बात बताओ, क्या इंद्रपुरी में ऐसे ही होते क्या, कैसे? हमने कहा कि जैसे इसकी एक आँख डिस्टर्ब है
तो वहाँ क्या इंद्रपुरी में ऐसे ही होते हैं जो इंद्रपुरी से बनना आया? तो वो क्या बोली कि अपन को क्या लेना देना, अपन को तो अभी बतेसा बटेंगे, उनको लेके घर चले जाने, क्या लेना देना चाहे कुछ, ये तो गाना पड़ता है, अब तो समझते ही नहीं हो। तो ले दो दो दाने अनार के मेरे बन्ना के, चार दिन बाहर के कि दो दिन बाहर के, क्यों जैन साहब कितने दिन बाहर के होते हैं? पर ये सब गाते हैं, सब कुछ गा लेते हैं। इसी तरीके से मंदिर में भी लोग उसी प्रकार से गाते हैं जिस प्रकार से बन्ना बन्नी के गीत बुलौगा में गाए जाते हैं, पर भक्ति इसका नाम नहीं है। पर भक्ति इसका नाम नहीं है, भक्ति तो है अंदर से गुणों के प्रति अनुराग पैदा हो जाए। अब गुण कौन से होते हैं? कमल जी एक बताओ, आप रोज पूजा गाते कि नहीं गाते? गाते हो ना, कौन सी पूजा गाते? समुच्चय पूजा गाते हो। अच्छा, तो उसमें बोलते अष्टादश दोष विमुक्त धीर, गाते कि नहीं गाते? ये 18 दोष क्या होते हैं? नहीं पता। जैन साहब आप भी गाते हो, जितने लोग गाते हैं उनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं, पूजन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? विरागी अचारज उपाध्याय साधु दरस ज्ञान सुख व समता आराधु नगन भीष धारी सो एका बिहारी निजानंद मंडित मुक्ति पथ प्रचारी। अब इसमें जो कितनी चीजें आई हैं, अरिहंत की बात आई है, नशे घात या कर्म अरिहंत देवा। अरिहंत किसे कहते हैं चंद कुमार जी? बहुत बढ़िया बात कही। 46 गुण कौन कौन से होते हैं? नहीं पता है। अब गुणों की पूजन करते हैं अपन, गुणों का अनुवादन करते हैं, तो 46 गुण तो हमें पता है नहीं है, दोष भी पता नहीं है, तो बिन जाने तो दोष गुणन को कैसे तजिए गई है? बिना जाने दोष और गुणों को कैसे ग्रहण करें और कैसे दोषों का त्याग करें? गुण का ग्रहण करना है, क्योंकि हम बंदे तदगुण लब्ध है। हम बोलते हैं बंदे तदगुण लब्ध है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम वंदना करते हैं, बंदे तदगुण लब्ध है। अब बात ये आती है कि उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार करते हैं, तो गुण कैसे हैं? गुण कौन कौन से? 46 गुण कौन कौन से हैं? तो 10 जन्म के हैं, 10 केवल ज्ञान के हैं, 14 देव कृत हैं, ये अतिशय हो गए, और 8 प्रातिहारी और 4 अनंत चतुष्टय। लेकिन ये सारे के सारे, इनमें 42 तो कैसे हैं? पुद्गल के हैं और 4 आत्मा के हैं। 4 गुण कौन? और सिद्ध चक्र विधान भी जब हम करते हैं तो सारे गुणों के लिए अर्घ चढ़ाते हैं, 8 गुण के लिए, 16 गुण के लिए, 32 गुण के लिए, 64 गुण के लिए, 128, 256 और 512 और 1024 गुणों के लिए आप अर्घ चढ़ाते हैं। ये सर्व अर्घ गुणों के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय जब अर्घ चढ़ाते हैं तो उस समय ये पता नहीं चलता है जैन साहब कि गुण कौन कौन से भूल दिए। अब देखिए 18 दोष और 46 गुण, और गुणों की हम पूजन करते हैं और गुणों की भक्ति करते हैं, तो 46 गुण में 10 जन्म के होते हैं, और उनके 10 जन्म में कौन से होते हैं? तो किसी को भी पता नहीं है, मगर अपन को पता लगाना पड़ेगा। अपन को इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वो 46 गुण कौन कौन से हैं जिन गुणों की भक्ति करते हैं, सिद्ध के 8 गुण कौन कौन से हैं जिनकी हम भक्ति कर सकें। तो भक्ति करने के लिए
बंदे तदगुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम वंदना करते हैं। अब उनके गुणों की प्राप्ति के लिए जब वंदना करते हैं तो वो गुण कहाँ से आएंगे? उनके गुण हमारे पास नहीं आ सकते हैं, उनके गुण हमारे पास नहीं आ सकते हैं, और हमारे दोष उनके पास नहीं जा सकते हैं। फिर गुण अगर उनके हमारे पास नहीं आ सकते तो फिर गुणों की पूजन क्यों करते हैं? बस यही तो बात है, उनके गुण उनके पास रहेंगे पर हमारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, और जो हमारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे वे ही उनके निमित्त से हमारे पास आए हैं, इसलिए हम कहते हैं उनके गुण हमारे पास आ गए। उनका सम्यक दर्शन हमारे पास नहीं आएगा, उनका सम्यक ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा, उनका सम्यक चारित्र हमारे पास नहीं आएगा, उनका अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अगर हमारे पास आ जाए तो वो गुण से शून्य हो जाएंगे, तो उनका तो नहीं आएगा। फिर कहां से आएगा, कैसे? बंदे तदगुण लब्ध है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए तो हमारे अंदर ही गुण पैदा होना है। क्या पैदा होना है? हमारे अंदर ही गुण पैदा होना है। जैसे सोने की स्वर्णता जो है ना, स्वर्ण धातु में स्वर्णता पैदा होती है, इसी तरीके से हमारे अंदर भी गुण पैदा होना है। हाँ, चुंबकी से तो हमारे जैसे लोहे से चुंबक लोहे से टच हो जाता है तो उसमें क्या होता है, चुंबकत्व आ जाता है, लोहे में आ जाता ना। ठीक इसी तरीके से आप इस बात के लिए तय कर लेना कि सोने के लिए जब कच्ची धातु को ताव देते हैं तो उसी के अंदर स्वर्णता पैदा होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर ही ज्ञान दर्शन सुख और बीरी के गुण प्रकट होना है, जो अनंत में रूप में हमारे सामने आने वाले हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत बीरी। इसको ही हम क्या कहेंगे, भक्ति। लेकिन हमारी भक्ति ऐसी नहीं होती। कैसी होती है हमारी भक्ति? ऐसी होती है कि हम लोग ताल मजीरा लेकर के ठोकते हैं। क्या ठोकते हैं? गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं और सोहा सोहा करके चले जाते हैं। तो अब सोहा भी करो, नाचो भी, गाओ भी, लेकिन एक बात तो ध्यान रखो, मूल चीज तो मत भूल जाओ। उसका निषेध नहीं कर रहे हैं कि आप नाचे नहीं, आप गाए नहीं या संगीत का प्रयोग नहीं करें, लेकिन संगीत कैसा होना चाहिए? आटे में नमक जैसा, और आप लोग नमक में आटा डाल देते हैं तो गड़बड़ हो जाता ना। इसीलिए एक ध्यान रखना, नाचने के समय आप वो गुण को याद करेंगे तो अपने आप झूम उठेंगे। नाचना नहीं पड़ता है, जैसे शादी होती ना किसी की, आप किसी रिश्तेदारी में गए अपन शादी में, कमल जी अब बासे अपनी पटरी बैठते नहीं है थी, अब शादी में तो जाने पड़ के नहीं जाने पड़ साले की, अब साली से पटरी नहीं बैठ, अब साले के मोड़ा की शादी, अब सब कह रहे फूफा जी नाचो नाचो नाचो, तो फूफा जी नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? लेकिन फूफा जी के भीतर से नाच रहे कि वो ऊपर से कूद रहे, कूद रहे ना, तो वो नाचने का भाव भीतर से तो नहीं आया ना। जब भीतर से नाचने का भाव मन में उठी तरंग, तो क्या चाहिए, झांझ मंजीरा और चंग। जब भीतर से तरंग उठ जाती है तो झांझ मजीरा और तरंग की कोई चंग की आवश्यकता नहीं होती है, बस वहां तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। इसी तरीके से आचार्य समंतवद्ध देव कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपकी भक्ति अति भक्ति में होकर के उन गुणों का अनुवाद करने की कोशिश की है, जो इंद्र भी एक गुण समुद्र के, आप तो गुण के समुद्र हैं, समुद्र उसकी एक बूंद का भी निरंतर वर्णन
नहीं कर सकता इंद्र, फिर भी हम अति भक्ति से होकर के, युक्त होकर के आपके सामने बैठ कर के भक्ति कर रहे हैं। यही भक्ति का स्वरूप होता है। और जो भीतर से भक्ति करता है, जैसे कोयल बोलती है, सब लोगों को कोयल का बोलना अच्छा लगता है, पर तुमने कभी कोयल से पूछा कि वो रो रही है कि बोल रही है? क्योंकि उसके अंडे कालू नाम के कौए ने फोड़ के खा गया है कोयल के, इसलिए वो अपने बच्चों के गम में रो रही है। और तुम क्या कह रहे हो? कोयल बोल रही है। बस यही बात है कि कोयल गाना तो बहुत सारे लोग गा लेते हैं, लेकिन वो गाना कैसे गाते हैं, क्या होता है, इस पर विचारणी बिंदु है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जावाणी के ज्ञान ते। सोवाणी मस्तक धरों सदा देत हो धोक, हे जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रे।